हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए मोइन अख्तर एज सुषमा स्वराज का रिएक्शन। एंड अभी हम रिसेंटली मोइन अख्तर सर की बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं एंड उनकी बहुत ही कमाल कमाल की वीडियोस, जिस तरीके से जिस नज़ाकत के साथ वो एक्टिंग करते हैं, लाइक एज अ पठान, एज अ बांग्लादेशी क्रिकेटर, एज अ बिहारी लॉयर, वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि वहाँ के ही हैं। उनका कोई पाकिस्तानी एक्सेंट ही नहीं रहता है और वहीं का वो पूरा एक्सेंट पकड़ लेते हैं। वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है देखने में। और अब वो सुषमा स्वराज जी का कर रही है, लाइक वो जो है वो भी हमारे साथ नहीं रहे हैं, मोइन अख्तर जी भी हमारे साथ नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन वो दोनों ही बहुत लेजेंडरी हैं। लाइक वो हमारी फॉरेन मिनिस्टर बहुत तगड़ी थी एंड जिस तरीके से वो अपना काम देखती थी वो बहुत सही था। एंड सिमिलरली आपको पता है कॉमेडी के किंग है, तो उन्होंने किस तरीके से उनका रोल निभाया होगा, क्या उन्होंने चीज़ें, क्या उन्होंने वो नुस्खे उनके अपनाए होंगे, वो चीज़ मैं देखना चाहूँगा। और सीरियसली मैं तो बहुत ज़्यादा सेक्स वीडियो को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। और अभी तक हम लोगों ने जितनी मोइन अख्तर की वीडियो देखी है वो सही में एक से बढ़कर एक है। और वो कहते हैं ना, वो एक लीजेंड थे। आज के टाइम में जो स्टैंड अप होती है उसमें बेसिकली थोड़ा अडल्ट जोक्स होते हैं, लेकिन जो मोइन अख्तर है वो बिल्कुल कहते हैं ना एफर्टलेसली कॉमेडी करना, तो मोइन अख्तर करती थी। और सीरियसली हम लोगों को मोइन अख्तर जैसे इंसान कभी भी नहीं मिल पाएगा। और वो मेरे को सबसे अच्छी उनकी एक चीज़ लगती थी, वो जिस किसी भी करेक्टर में घुस जाते थे ना, तो ऐसा लगता था कि वो ना बेसिकली किसी भी करेक्टर में घुस जाते थे। ऐसा नहीं लगता था कि लाइक वो कुछ फेक कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता था कि तुम यही हो। जैसे पारमन ने बोला, उन्होंने ये बांग्लादेशी वीडियो करी, पठानी वाली करी, उसमें ऐसा लग रहा था कि सही में तुम पठानी ही हो, बांग्लादेशी ही हो। तो वो चीज़ सही में बहुत ही कहते हैं ना मुश्किल होती है करनी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए कि लाइक उनको क्या बोला है उसके बारे में। तो देखते हैं फिर वीडियो कैसे होने वाली है। वही तो देखते हैं कैसा होगा, तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पड़ोसी मुल्क की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हम कुशांदीप कहते हैं, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाह, अभी तो मैं तुमको कह रही हूँ अनवर के, अभी तो मैं जरा सा मिनिस्ट्री में होके मंत्री जब से बनी हूँ बहुत काम होता है, बहुत बिजी रहती हूँ, लेकिन तुम मुझे यंग एज में देखते, एक एक गाल मेरे कश्मीर के सेब थे। वो आजाद थे या मकबूजा, मैं समझी नहीं। ऐसी गुफ्तगू शुरू करने के लिए कहा था। देखो अनवर, गुफ्तगू मत करना, मैं यहाँ पर गुफ्तगू करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर सेमिनार में शिरकत के लिए आई हूँ। इंटरव्यू में तो गुफ्तगू होगी। नहीं, आप गुफ्तगू रहने दें, खाली इंटरव्यू करो अनवर। गुफ्तगू का मतलब है बातचीत। बातचीत जी, तो ठीक है फिर करो, मैं गुफ्तगू का मतलब कुछ और ही समझती। क्या गुफ्तगू है? अच्छा ठीक है, बातचीत करें। पाकिस्तान आप आई, कैसा लगा? देखो अनवर, जब मैं दिल्ली से यहाँ पर आई इस्लामाबाद, 12 घंटे लगे। तुम्हारा देश जो है वो बहुत दूर है। यादी की वजह से दूर हुआ। मेरी वजह से कैसे हुआ? आगरा में जो समिट हुई थी उसका डिक्लेरेशन आपकी वजह से रुका गया। फिर तुम लोग देखो ना, फिर तुम लोगों, बात यह है कि एक दोनों कंट्रीज में जो है ये बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग जो है बात कुछ करते हैं उसका मतलब कुछ होता है, कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, मैं कह रहा था आगरा कैसे प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सेमिनार में शिरकत के लिए आई हूँ, आगरा मुज़ाकरात, आगरा मुज़ाकरात। अब आगरा के मुज़ाकरात जो है कोई पाठशाला में नहीं बैठे थे कि जो फेल हो गए। कश्मीर के बारे में आप लोग बातचीत करने को तैयारी नहीं थे। मैं कश्मीर के बारे में क्यों बात करूँ? मैं जो हूँ, मैं मंत्री हूँ इन्फॉर्मेशन की, मुझसे तुम इन्फॉर्मेशन पे बात करो अनवर। जब आप मंत्री हैं तो आपको कश्मीर के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मैं इन्फॉर्मेशन की मंत्री हूँ, मुझे निमंत्रण जो मिला था सेमिनार में शिरकत के लिए मिला था, बस। मैं और कुछ नहीं जानती, और फालतू सवाल करने की कोई जरूरत नहीं। तुमको एक बात बताऊं कि कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग है। टेलीविजन पे ये प्रोग्राम आ रहा है, टेलीविजन वाले अलिफ इस्तेमाल नहीं करते। अगर उन्होंने अटूट अंग में से अलिफ निकाल दिया तो फिर रह जाएगा टूट अंग। क्या मतलब अनवर, तुम इतने अच्छे कॉपियर हो, तुम क्या कहना चाहते हो? टूट अंग का क्या मतलब है? वो अंग जो टूट जाए। तो मैं यहाँ पर टूट और अंग पे बात करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर सेमिनार में आई। आपका मुल्क एक बड़ा मुल्क। हाँ, बड़े पे मुझे याद आया, आपके यहाँ के दही बड़े बहुत अच्छे होते। क्या चाइनीज बना रहे हैं? दही बड़े चाइनीज कैसे बनाएंगे? अरे छोड़ो अनवर, तुम्हारे यहाँ जो भी बड़ी चीज बनती है उसमें चाइना का हाथ जरूर होता है, आपकी सरकार का हाथ। मैं यहाँ पर जो है सरकार के बारे में बात करने नहीं आई हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस में आई हूँ, सार कॉन्फ्रेंस में आई हूँ। सेमिनार में दही बड़ा कहाँ से आया? मैंने भोजन में किसी ने परोसा था, मैंने वो खाया।
मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं तुमको एक बात बता देती हूँ कि हमारे भारत का बेसन बहुत अच्छा है। मैं आपके वज़ीर-ए-आज़म की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हो अनवर, क्या हो गया है तुमको? मैं तुम्हारे टीवी पे प्रोग्राम देखती हूँ, बातचीत हम बेसन के कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे राष्ट्रपति कैसे आ गए? हाँ? आपके वज़ीर-ए-आज़म भी गैर शादीशुदा है, शादी नहीं की। हाँ? उनके कोई बेटा नहीं, इस वजह से मैं बेसन कह रहा हूँ। की प्रॉब्लम है तुम लोग पता नहीं क्या से क्या। खैर बात करो, हमारे जो देखो बेसन जो है ना उसके बनती है फुल्की, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो फुल्की नहीं है। कश्मीर में आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम लोग पौधे लगा रहे हैं वहाँ से। आपको अंदाजा है कश्मीर में अब तक कितने लोग शहीद हो चुके हैं? हे भगवान, मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी परसों कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट कर रही थी। आपके जो मीडिया वाले हैं ना अनवर, आपके मीडिया पे जितने कश्मीरियों को शहीद बताया गया है, मैं कैलकुलेट कर रही थी उनको, अगर कैलकुलेट करूँ तो कश्मीर की आबादी जो है वो चाइना से 200% ज्यादा हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी था। एंड किस तरीके से, लाइक मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि लाइक वो मतलब जिसका रूप अपनाते हैं ना उसी के हो जाते हैं। लाइक वो अंदर से पाकिस्तानी है और वो इंडियन देखा है तो वो उनको पाकिस्तान का थोड़ा सा लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बार सुषमा स्वराज जी का रूप ले लिया है तो उनकी तरह ही वो बात कर रहे हैं और वैसे ही वो बात कर रहे थे कि ये हो रहा है, तुम सारे पाकिस्तानी ऐसे हो, फिर तुम चाइना की मदद लेते हो, ये वो, तो वो आराम से काउंटर मार रहे हैं और वो बिना कोई झिझक के। एंड वो कितनी अच्छे से उनकी ऐड कर रहे, लाइक सुषमा स्वराज जी भी ऐसी ही थी, लाइक वो बात करती थी ना तो वो बिल्कुल खुल के बात करती थी, लाइक वो इतना ज़्यादा पार्टी और उन सब में बंद के नहीं रहती थी, वो बहुत एकदम बेबाक बोलने वालों में से थी, लीडर में से थी। तो वही सेम यहाँ पे उनकी लीडरशिप दिखा रहा है कि वो कहीं से भी वो खुद पॉइंट चेंज कर रही है कि लाइक कभी बेसन पे आ रही है, कभी कुछ पे आ रही है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे वो दोस्त एंकर जो है वो पॉइंट चेंज करता है तो उनको बोल रही, अरे मैं यहाँ पे समिट में आई हूँ, मैं यहाँ पे सेमिनार में आया हूँ, तुम फालतू की बात लेके बैठे हो। तो बहुत ही कॉमेडी था। और सीरियसली मुझे लूज टॉक की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि लाइक तुम्हारा एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, बस उस टॉपिक पे बात नहीं होती, बाकी सारी दुनिया की बात होगी, पूरे पाकिस्तान इंडिया की बात होगी, बस जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसकी बात नहीं होगी। तो लाइक वो मुझे फनी लगती है। और जो सही में मोहिन अख्तर ने जो एक्टिंग करी है सुषमा स्वराज की वो बहुत ही अच्छी थी, इनक्रेडिबल थी। और अभी तक इनकी हमने जितनी एक्टिंग देखी वो उन्होंने करी थी मेल में, बेसिकली मेल जेंडर में, लेकिन ये पहली बार इन्होंने फीमेल जेंडर पर उनको पूरा उनका गेटअप से लेकर उनका एक्सेंट से लेकर और सब कुछ बेसिकली सुषमा स्वराज जैसा था। बस ये एक था कि शक्ल में थोड़ी सी वो थी कि शक्ल का फर्क था, बाकी ऐसा लग रहा था सही में सुषमा स्वराज ही बैठी है। और जिस हिसाब से वो टॉपिक चेंज कर रहे थे, पहले उन्होंने बोला कि आगरा की वजह से आपके युवा, फिर उन्होंने सबसे फनी तो मुझे ये लगा कि जब उन्होंने बोला कि आपके यहाँ के दही बड़े बड़े अच्छे हैं, तो कहते कि अच्छा तो आप टॉपिक क्यों चेंज कर रही हो, तो वो कहते कि तुमने कहाँ से मंगाया, चाइना से, मतलब चाइनीज है क्या? तो कहते हैं आपको कैसे पता, कहते यहाँ पे आपकी जो सबसे बड़ी चीज़, आपकी कोई भी सबसे बड़ी चीज़ है वो चाइना से होती है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा फनी लगा। और मेरे को सबसे अच्छी लूज टॉक की बात ये लगती है कि भले वो पाकिस्तानी शो है फिर भी वो मतलब ऐसा कि वो सच्चाई दिखाता है, ऐसा नहीं कि अपने मुल्क की चीज़ें छुपाना, नहीं, जो चीज़ है वो खुलकर दिखाएगा और जो इंडिया की कुछ गलत चीज़ है वो भी खुलकर दिखाएगा, पाकिस्तान की जो गलत चीज़ है वो भी खुलकर दिखाएगा। तो मेरे को ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी। वही, और मोहिन अख्तर जैसे कॉमेडियन आजकल भी चाहिए थे जो हमें रियलिटी दिखाते और ज्यादा मतलब दोनों देशों के बीच में लेके आते, लेकिन ये मेरे ख्याल से वो एक स्वीट स्पॉट ही था वो जो 2000 के टाइम पे था ना, जब टीवी नया नया दोनों देशों में आया था, तो किस तरीके से लाइक उस टाइम पे ऐसे शोज आ पाते थे एंड आप बात कर पाते थे। अभी तो एक शो अगर ऐसा आए ना तो बस हर बार सोशल मीडिया पे उसको बैश किया जाएगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट ढूंढी जाएगी, फिर प्रॉब्लम निकाली जाएगी। तो अब के आजकल के लोग तो मतलब ऐसे हैं कांच के जैसे हो गए, हाथ लगा दो फटाफट छिड़ जाते हैं। तो वो है। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय बाय।